Good morning, everyone. Yes, we are live now. Clear, start with that here. Start again. Yes, we are live now. So, hello everyone. This is Alok Jha, Mechanical Engineering. And a very warm welcome to all. One of the most important topics, the heart of Mechanical Engineering. Yes, you are right now. Very good. So, my dear friend, today we will see one of the most important topic, that is gear in mechanical engineering, and this is the heart of mechanical engineering. This is the heart of machine. किसी मशीन का एक हर्ट है, बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल मेरे भाई, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आवर गेट एग्जामिनेशन, आवर एएससी एग्जामिनेशन, आवर कॉम्पिटिटिव फाइनल एग्जामिनेशन. दिस इज द हार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड आई एम अमोक शाह, ग्रेजुएट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल गाइस. अगर आपको अपने बारे में बताना चाहूं, इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम 4 times gate operator and from IIT, 9 years teaching experience. Subject taken by me is the heart and soul of mechanical engineering. And a very warm welcome to my this first class in April month. And aap sabhi ka swagat karta hu apni pehli class mein. Alok Lab kya hai? Alok Lab ek code hai, Alok Lab ek password hai, Alok Lab ek Telegram channel hai jisse aap hamare sath jud sakte ho. Now, unattended comment ke baare mein bata raha, har Sunday subah 11 baje aapko yahan dekhne ko milta hai academic comment. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे जाके ले सकते हैं. अगर आपको कोड यूज करना है आलोक लाइव एकेडमी कॉम्बैट का हिस्सा बनने के लिए, नाउ माय डियर फ्रेंड, अगर आप एकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको मेरी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिलती हैं, जिसका पासवर्ड है मेरे भाइयों आलोक लाइव. नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, get ready to learn heart of mechanical, that is gear. Here aaj aapko is behtareen se topic ke andar bahut si cheeze aapko seekhne ko milengi. You can see this bahut si aise cheeze hain jo aapke liye bahut important ban jayenge, theek hai na. Sari cheezon pe hum puri baat karenge, to jaldi aap sabhi log iske andar join ho jayenge. Bilkul jaldi. Yes. Now we are starting our the exciting topic, that is gear. और gear पे काफी सारे बच्चों ने कई दिनों से इंतजार किया है. इन सारी topics के लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी ने पिछले 3-4 दिनों से आप लोग परेशान है. Gear कब start हुआ बिल्कुल. चलिए start करते हैं इस topic को. What is gear से? सबसे पहला topic जो हमारा सबसे पहला question जो आता है हमारे student के दिमाग में, ये gear क्या है, वह क्या है, क्या है गियर, क्या है, थोड़ा आइए बात करते हैं. व्हाट इज गियर, गियर क्या है. अगर बात करना चाहूँ गियर की, तो
गियर के बारे में आपको टू द पॉइंट अगर मैं समझाना चाहूँ, गियर एक रोटेटिंग डिवाइस, बट यस एक रोटेटिंग डिवाइस है, मतलब एक सर्कुलर मशीन के रूप में आप लोग कह सकते हो इसका यूज करते हैं, जिससे क्या होता है पावर ट्रांसमिट किया जाता है एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पे। बट पावर ट्रांसमिशन की तो बहुत सारी डिवाइस थी, जैसे कि बेल ड्राइव, रोप ड्राइव, चेन ड्राइव। फिर गियर क्यों आए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, गियर क्यों आए, व्हाट इज द रीजन? यस नाउ व्हाई डू फ्रेंड यू कैन सी दिस, गियर क्यों आए हमारे लाइफ में, बात ये है। तो मैं आपको ये चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा, गियर के आने के सबसे बड़ा रीजन था ये, गियर आने के पीछे सबसे बड़ा रीजन था ये। ठीक है सर, इसको समझिएगा, इसका क्या मतलब है, गियर को अगर हमारी लाइफ में आना था तो उसका सबसे बड़ा रीजन है। गियर हमारे सामने आज इतना फेमस है, इसका सबसे बड़ा रीजन है ये। ये क्या है सर, व्हाट इज दिस? ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर? गियर, अगर मैं गियर की बात करना चाहूं, यू कैन सी दिस गियर हर जगह लगा, जैसे आप देख सकते हो यहां, देखो ध्यान से, गियर इज अ रोटेटिंग सर्कुलर मशीन पार्ट। गियर क्या है, रोटेटिंग सर्कुलर मशीन पार्ट है, जिसके ऊपर क्या होता है, हैविंग कट टीथ, ठीक है। और इन केस ऑफ कॉगवील और गियर व्हील इंसर्टेड टीथ, टीथ बना होते हैं गियर के ऊपर, क्या होता है, यू कैन सी दिस, गियर के ऊपर क्या है, टीथ, यू कैन सी दिस, ठीक है, टीथ के सहारे ये चलता है, ठीक है। अब सुनने की कोशिश करिएगा, गियर के अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कांस्टेंट। अगर आपको कोई ये कहता है कि पावर ट्रांसमिट कर रही है एक डिवाइस जिसमें एक साइड से दूसरे साइड में पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, तो वो गियर है, तो आप कहिएगा नहीं गियर, गियर तब तक गियर नहीं है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, जब तक उसके अंदर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 नहीं है। अगर उस डिवाइस में ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो गियर है, ध्यान रखिएगा। ये होता क्या है, इसका एक्चुअल फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। हुआ क्या, हमें चाहिए था 100% पावर ट्रांसमिशन, हमें क्या चाहिए था, 100% पावर ट्रांसमिशन, दैट मींस अब सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, हमें चाहिए था 100% पावर को ट्रांसमिट करने वाला एक डिवाइस। तो हमने क्या जनरेट किया, यू कैन सी हमने क्या किया, हमने दो फ्रिक्शनल डिस्क ले लिया, एक बड़ा और एक छोटा, हमने दो फ्रिक्शनल डिस्क ले लिया, क्या ले लिया भैया, यू कैन सी दिस, हमने क्या ले लिया, दो फ्रिक्शनल डिस्क। व्हाई फ्रिक्शनल डिस्क, बिकॉज ऐसा डिस्क जिसके सरफेस पे क्या हो, फ्रिक्शन, जिसके सरफेस पे क्या हो, फ्रिक्शन हो, ध्यान से, और उसको हमने क्या किया, घुमाने की पूरी कोशिश की, सरफेस पे फ्रिक्शन है तो वो यहाँ कनेक्ट हो गए कुछ ऐसे, ये अपना ही डायरेक्शन में, ये अपना ही डायरेक्शन में, ये क्या करती है, रोटेट कर, आप समझ रहे हो। तो दो फ्रिक्शनल डिस्क लिया हमने, हमने ये दो फ्रिक्शनल डिस्क लिए, इसके अंदर इस सरफेस के ऊपर क्या है, भयंकर वाला फ्रिक्शन है। अब क्या होगा, अगर मान लो दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2, अब मैं आपको कहता हूँ बेटा, अगर ये नंबर 1 है या नंबर 2 है, अब मैं इसका नाम देता हूँ, या दिस इज द ड्राइवर एंड या दिस इज द ड्रिवन, दिस इज ड्रिवन, ड्राइवर को मैं बोलूंगा DVR, ड्रिवन को बोलूंगा DVN, थॉट फॉर्म, थॉट फॉर्म में आज के बाद में यूज करने वाला क्वेश्चन है मेरा सर, ये दोनों क्या है, हम दोनों के एक फ्रिक्शनल डिस्क लिया है, अभी टीथ नहीं कट किया है, यू कैन सी दिस, वी कैन यूज ए फ्रिक्शनल डिस्क, Yes or no? Yes or no? Why is it not here? अरे बहुत ठीक है आज की क्लास के लिए मैनेज कर लो, बिकॉज मैं चाहता हूँ आज की क्लास एकदम बेहतरीन तरीके से आज पहली क्लास हो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना, दिस इज द फ्रिक्शनल डिस्क, ये क्या है, वी डियर दिस इज द फ्रिक्शनल डिस्क, फ्रिक्शनल डिस्क, अब सुनो मेरी बात, छोटा है,
why is small is fault driver? My first question is, why smaller is fault driver? Because you can see this, because they have minimum torque. You know, because super character minimum torque. And then here rotate kar raha with force F. Ye dono kya kar rahe hain? Force F se rotate kar rahe hain. My dear friend, look at this. This is the radius R2 and this is the radius R1. Now guys, look at this. You can see this. Force F into R1 is the torque T1. Force F into R2 is the torque T2. Okay, look at this. Look at this, guys. Which torque is more? Force is same. Yes, right. The force is same. So the R1 is greater. So T1 is greater. T2, R2 is smaller as compared to R1. So T2 is smaller. So now, my dear friend, look at this. Driver कौन होगा? Driver हम होंगे. चलने वाले हम होंगे. Start कौन करेगा? हम करेंगे. Now वो चाहे bike का kick हो या car का हो, कुछ भी हो, anything. Now driver is always smaller. Why? Because of less torque as compared to driven. Driven पे ज़्यादा torque लगाना होगा, driver पे कम torque. That's why this is smaller is a driver. Now first thing is clear. Okay. We can choose a two frictional disc. Why is it a frictional? Because they have no slipping. Okay. Because two frictional discs rotate kar rahe hain. Dono frictional disc kya kar rahe hain? Rotate kar rahe hain. Ye kuch is tarike se rotate kar rahe hain. Iske andar kya ho rahi hai? Omega 1 upon omega 2 kya ho jaye? Constant. What is the meaning of omega 1 upon omega 2 is constant? Sir, you can see this. This is R1, this is R2, and rotation is omega 1, omega 2. Now look at this. Look at the very beautiful point. The velocity of first gear and velocity of second gear. The velocity of first gear and velocity of second gear will be same. Agar ye dono kya ho jaye, same ho jaye, to velocity kab same hogi? If there is no slip between these two frictional discs. इन दोनों फ्रिक्शनल डिस्क के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो ना फर्स्ट केस नो स्लिपिंग नो फ्रिक्शनल डिस्क नो फ्रिक्शनल नो स्लिप अगर अगर कोई स्लिप अगर ना हो नो डिफरेंस लुक एट दिस This is the condition. वो भी सकता है कि slip हो. अगर कोई ये कहता है कि gear में slipping नहीं होता, तो ये ऐसे ना बोले. Gear में high speed पर भी slipping होने का chance होता है. Now I different look at this. अगर इस frictional disc में अगर slipping ना हो तो, अगर ना हो तो you can see this. The velocity of the first and velocity of the second will be same. If there is a no slip, so the velocity will be same. Now, what is the velocity, sir? R1 omega 1 is equal to R2 omega 2. Okay. You can see this. Omega 1 upon omega 2 is equal to R2 upon R. Okay. Look at this. Look at this. My dear friend, look at this. Look at this. Very beautiful point. Look at this. R2 R1. What is the R2 R1? Sir, this is the radius of first gear and radius of second. These are the two are frictional disc, not a gear. अब ये gear नहीं है, मेरी बात सुनना. अब ये gear नहीं है, ठीक है? अब ये सिर्फ क्या है? Disc. अब ये क्या है? Disc. अगर gear होता तो मैं इसके ऊपर teeth cut कर चुका होता. But wait. ये दोनों क्या frictional disc है? तो हमने कहा इनके अंदर इतना खतरनाक friction रखो कि इनकी slipping ना हो, ठीक है भाई? Now my dear friend, look at this. R1 and R2, अगर मैं कोई डिस्क बनाता हूँ, let us suppose मैंने ये क्या किया, मैंने फोन बनाया, इसको बनाने के लिए अगर मैं बात करना चाहूँ here, इसको बनाने के लिए इसके विड्थ और इसके लेंथ जो भी है, ये मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. अब मैं जितने ही बनाऊंगा सब इसी प्रकार से बनाऊंगा. क्या अब अगर मैं इसको पकड़ के खींचू ना, बस इसको ऐसे रखू जेब में, जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन भी इसकी लंबाई उतनी ही थी जितनी आज, ठीक है ना? बात समझ में आया? लेंथ और विड्थ इसकी फिक्स है ना. जब मैंने गियर बनाया तो गियर फ्रॉम दिस क्या है, कांस्टेंट. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट?
जब मैंने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे गियर का आर वन और इसका आर टू दोनों क्या है फिक्स, यस और नो? इफ द आर टू एंड आर वन एट द कंडीशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शुड बी इक्वल, माय डियर फ्रेंड, द रेशियो शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट. If these ratios will be constant, so omega 1 upon omega 2 should be okay. Okay, if there is a no slip would be occur, so V1 is equal to V2. Are you getting my point? Are you getting my point? जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा. और हमने कहा कि जिस डिवाइस में ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है, वो गियर बनने लायक है. ना मैंने दो फ्रिक्शनल डिस्क दिए थे. अब चिंटू बाहर का हुआ है, कहता है कि अगर दो फ्रिक्शनल डिस्क लेकर तुम चला रहे हो तो जरूरी थोड़ी ना है तो डिस्क है, या समझो दीज आर टू फ्लैट डिस्क. ओके, ये कुछ ऐसे चल रहे, दीज आर टू फ्लैट डिस्क. ओके, देयर इज अ चांस ऑफ स्लिपिंग, या समझो देयर इज अ चांस ऑफ स्लिपिंग. तो अब हुआ क्या, इफ देयर इज अ स्लिपिंग, इफ देयर इज अ नो स्लिपिंग, सो दिस अगर उसके अंदर स्लिपिंग हुआ. Now I look at this. If there is a chance of slipping, slip. Okay. If there is a chance of slipping, अगर chance है slipping का, तो my dear friend, V1 is not equal to V2. Yes or no? If V1 is not equal to V2, R1 omega 1 is not equal to R2 omega 2. That means omega 1 upon omega 2 should not be equal to constant, yes or no? Yes or no? So, मैंने तो बोला ऐसा डिवाइस जिसमें ये हो रहा हो, ये हमारा क्या बनने वाला है, ये. अब मुझे डर लगने लग गया कि ये this is the frictional disc. अगर ये disc रहा तो slipping हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. आसान आया, slipping हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अच्छा, तो हमने क्या किया, हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था ये, हमें चाहिए था ये. तो हमने इसी डर से क्या किया, इस डिस्क के ऊपर बेटा हमने क्या किया, इस डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हीट क्यों कट किया, डिस्क के ऊपर फ्रिक्शन और ज्यादा करने के लिए. ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, इसके ऊपर और ज्यादा फ्रिक्शन कट करने के लिए, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, इसके ऊपर टीथ का जनरेशन किया. We can generate the teeth. You can see this. We can generate teeth. We can generate teeth. Are you getting my point? Yeah. We can generate the teeth. That's why. अगर फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन बढ़ाने का है तो हमने टीथ का जनरेशन भी. Okay. Now you can see this. अब हमने क्या किया, इस फ्रिक्शनल डिस्क को फ्रिक्शनल डिस्क ना रखे इसके ऊपर क्या कर दिया, having cut teeth. Yes or no? ठीक ना, इसके ऊपर मैंने क्या किया, टीथ का कटिंग कर दिया. आप सुनने की कोशिश कर रहे, मैंने टीथ की कटिंग की. क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि ईयर में टीथ की कटिंग कैसे की जाती है, ईयर में ईयर की शेपिंग की जाती है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बट ईयर शेपिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. ईयर शेपिंग से हम गियर के टीथ कट कर लेते हैं. ईयर शेपिंग क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ. एक नॉर्मल डिस्क लिया जाता है और एक लिया जाता है गियर, टीथ पहले से कट होते हैं. अब इन दोनों को क्या करते हैं, फीड दे देकर दे देकर इसकी क्या करते हैं, कटिंग करते हैं. सेम टू सेम ऐसा बना देगा, घुमा घुमा के काटेगा इसे, फिर हम गियर को शेप में लाए. नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस माय डियर, सुनने की कोशिश कीजिएगा. जब मैंने टीथ कट किया तो मुझे ऐसा लगा कि अब इसके ऊपर स्लिप नहीं होगा और सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये होगा. बट ऐसा हुआ नहीं, बट ऐसा हुआ नहीं. ठीक है ना, हुआ क्या, ये भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ, ना ऐसा हुआ. तो हुआ,
स्लिपिंग इज अगर इन द गियर गियर इज के ऊपर स्लिपिंग हो रहा है बट मेरे भाई सुनना मेरी बात बट ऐसी स्लिपिंग हो रही है जिससे हमें ऐसा नहीं मिल रहा मतलब v1 इज नॉट इक्वल टू v2 ऐसा भी नहीं हो रहा मतलब सुनिए ध्यान से गियर के टीथ पे स्लिपिंग अगर स्लिपिंग होती है गियर के टीथ पर क्या होती है डियर गियर के टीथ के ऊपर स्लिपिंग होती है बट ऐसी नहीं हमें नुकसान करने की कोशिश कर रहा है बट ऐसी नहीं कि हमें नुकसान हो तो हुआ क्या इस स्लिप को थोड़ी बहुत स्लिपिंग होती है अब थोड़ी बहुत स्लिपिंग को खत्म करने के लिए हमने क्या किया गियर के ऊपर लगाया लुब्रिकेंट आपने देखा होगा जनरली आपने देखा होगा गियर के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं एकदम हम लोग भर देते हैं ग्रीस करते हैं रीजन बिहाइंड दिस ताकि गियर स्मूथ टर्न करे उसके अंदर कोई स्लिपिंग ना ठीक है और ग्रीस वगैरह लगाने से सही तरीके से पकड़ के चल सके थोड़ी सी भी स्लिपिंग उसके ऊपर ना ठीक है समझ नहीं पूछते तो थोड़ी बहुत स्लिपिंग को तो हम मेंटेन कर देंगे हमारे पास शुगर है जब मैंने टीथ बनाया तो ये मैंने बोला ठीक है भाई ठीक है ना ऐसा भी नहीं है कि गियर में स्लिप होगा ऐसा नहीं है बट मिनिमम स्लिपिंग होती है ऐसा नहीं है स्लिपिंग हल्की हल्की होती है अब इसी स्लिपिंग को हमने क्या कहा कि आपके टीथ के ऊपर एक टीथ के ऊपर दूसरा टीथ चलता है क्या करता है ऐसे चलता है तो स्लाइड करता है अगर ध्यान से देखो अगर ध्यान से देखो भैया एक टीथ दूसरे टीथ के ऊपर जब चल रहा है तो हल्का सा क्या करेगा स्लाइड करेगा थोड़ी बहुत पहली बात ईयर के अंदर क्या होता है और थोड़ी बहुत क्या हो रही है स्लाइडिंग का भी चांस था थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बहुत मिनिमम ठीक है गियर का टीथ एक दूसरे के ऊपर थोड़ी देर के लिए आता है और टच हो गया फिर आधा फिट टच होकर चला जाता है दिस आर द स्लाइडिंग दिस व्हाट दिस इज द स्लाइडिंग यू कैन सी दिस देखो गियर टीथ मिलेगा और अगर स्लाइड करके निकल जाए नाउ रोटेशन प्लस स्लाइडिंग होने के कारण सुनिएगा मेरी बात ध्यान अगर गियर में बात करूं तो हल बॉडी रोटेशन करता है गियर क्या करता है रोटेटिंग मशीन है बिल्कुल इसके टीथ के ऊपर क्या होती है थोड़ी बहुत स्लाइडिंग होती है इसीलिए हमने गियर को क्या बोला गियर क्या कर गियर क्या है प्योर रोलिंग डिवाइस गियर क्या है प्योर रोलिंग डिवाइस है ठीक है ना अब ये चिंटू भागता हुआ आया मैंने कहा क्या हुआ चिंटू भागता हुआ आया कहता है सर मैंने कहा क्या हुआ कहता है सर जब हम गियर को वेरी हाई स्पीड पर लेकर जाते हैं ठीक है मेरी बात जब गियर को वेरी हाई स्पीड पर लेकर जाते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है स्लिपिंग हो जाता है ठीक है कि गियर आर वेरी हाई स्पीड ठीक है ये सब बातें आपने थ्योरी में कहीं ना कहीं सुनी होगी अगर नहीं सुनी है तो आज सुन लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लोग क्या जानते हैं लोग जानते क्लियर एक ऐसा डिवाइस जिसमें स्लिपिंग ही नहीं होता अगर नहीं होता तो भैया वेलोसिटी ऑफ स्लिपिंग क्यों पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्यों पढ़ते हैं ऐसा कुछ नहीं और वेरी हाई स्पीड गियर के अंदर थोड़ी बहुत स्लिपिंग होती है सुनने की कोशिश करना और उस स्लिपिंग को हम लोग मेंटेन करने की करेंगे आगे और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अवॉइड दिस स्लिपिंग आपको बताऊंगा अगर बहुत ही हाई स्पीड में चलाते हैं तो गियर के अंदर स्लिपिंग का चांसेस कैसे कम होगा सबसे बड़ा रीजन क्या है आपको बताता हूँ जब गियर बहुत ही ज्यादा स्पीड पर होता है मेरे भाई जब गियर बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है तो गियर में फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन और जब गियर धीरे धीरे घूमता है एट लो स्पीड गियर में क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन सुनिए ध्यान से और एट वेरी हाई स्पीड
वेरी हाई स्पीड एयर में क्या होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड गाइस यू नो दिस यू नो दिस यू नो दिस हमने गियर में टीथ क्यों कट किया ताकि फ्रिक्शन आए ताकि क्या है फ्रिक्शन आए हमें चाहिए था ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन ताकि टीथ को पकड़ के चले और फ्रिक्शन जब भी आएगा हमें 100% पावर ट्रांसमिशन लेकर जाएगा और 100% पावर का ट्रांसमिशन लेगा हमें. हम तो यही चाहते थे ना हम तो यही चाहते थे ना कि 100% पावर का ट्रांसमिशन मिले जितना ज्यादा जाएगा ठीक है. हम यही चाहते थे कि कोई स्लिपिंग ना हो. सही बात है यार सही बात है भाई. हमारी इच्छा हमारी इच्छा है हम यही चाहते हैं कि स्लिपिंग ना हो. क्या तुम्हारी घड़ी में इस घड़ी में क्या लगा है इस घड़ी में गियर लगा है क्या लगा है मैकेनिकल वॉच. अभी तो बैटरी वाली घड़ी है मैकेनिकल वॉच. यू कैन सी दिस इसके अंदर क्या लगा है घड़ी गियर लगा है ठीक है ना. सेकंड वाली सुई मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई को चला रही है ठीक है ना. अब सुनते हैं मान लो मैं और मेरा चिंटू हम दोनों एक साथ खड़े हैं. मैंने कहा चिंटू कितना बज रहा है. चिंटू कह रहा है कि सर अब 10 बज रहा है ठीक है. मैंने कहा चलो चिंटू और मैं एक घंटे बाद मिले. एक घंटे बाद मिले तो मेरे घड़ी में कितना बज रहा था 10:45 और चिंटू घड़ी में बज रहा था 11:10. अब चिंटू परेशान सर ये क्या हुआ. मैंने कहा भैया स्लीपिंग क्या हुआ स्लीपिंग. हमें क्या गियर में स्लीपिंग चाहिए नहीं तो हम ऐसी जगह गियर यूज करते हैं जहां स्लीपिंग नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए गियर चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं है कि गियर इतना शुद्ध है इतना अच्छा है स्लिपिंग नहीं होगी. गियर में भी स्लिपिंग होती है और वेरी हाई स्पीड लो स्पीड देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन यू नो दिस व्हाट इज इट यू नो दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन यू नो दिस माय डियर. आप सभी लोग जानते हो स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा कंपेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन. बोलो हाँ या ना. यस सर. स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है भाई कि इसके अंदर जो है स्टैटिक फ्रिक्शन अगर ज्यादा होगा इसका मतलब है भाई इसके अंदर कोई स्लिपिंग नहीं होगी. दैट मींस एट लो स्पीड देयर इज नो स्लिपिंग चांस. यस और नो. मतलब यहां हमें स्लिपिंग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमारा टेंशन कहां होगा एट वेरी हाई स्पीड. अब सुनो मेरी बात. एट वेरी हाई स्पीड गियर में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन हमेशा कम होता है और कम फ्रिक्शन होने के कारण गियर में क्या होता है स्लिपिंग हो जाता है ठीक है ना. अब इस चीज को दूर कैसे करें हमें क्या चाहिए ऐसा फ्रिक्शन चाहिए ना पकड़ के ना चले खतरनाक तरीके जो कि 100% पावर को ट्रांसमिट कर 100% पावर को ट्रांसमिट कर सके. हमें हम बेल्ट ड्राइव क्यों नहीं यूज करते हैं बेल्ट ड्राइव मतलब हम घड़ी में बेल्ट ड्राइव क्यों नहीं यूज करते हमें ये चाहिए ताकि 100% पावर मिल सके हम वास्तव में. उसके लिए क्या होगा फ्रिक्शन ज्यादा मेंटेन हो ठीक है. बट एट अ लो स्पीड स्टैटिक फ्रिक्शन होने की वजह से हमें फ्रिक्शन मिलता है यहाँ स्लिपिंग नहीं होता बट जब ही हाई स्पीड पहुंचता है स्लिपिंग हो जाता है. अब ये बताओ क्या गियर हर जगह लो स्पीड पे घूमता है. नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है. आप कहीं देख लीजिए. अब मैं किसकी बात कर लू ये चल रहा है ये चल रहा है धीरे धीरे इतना धीरे धीरे चल रहा है. आपको लग रहा है स्लिपिंग होगा होगा. अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ. जैसे आप ये देखो ये क्या है ये गियर बॉक्स है. ये क्या है दिस इज द गियर बॉक्स. क्या होगा लो स्पीड पे घूमेगा कि हाई स्पीड पे तुम्हें बताओ. गियर बॉक्स के अंदर तो हाई स्पीड पे गियर घूमेगा. गियर बॉक्स के अंदर तो हाई स्पीड पे गियर घूमेगा. बोलो यार जी सर गियर बॉक्स के अंदर हाई स्पीड में गियर घूमता भैया. तो यहाँ क्या है सुनेंगे कुछ कहना. हमारा टेंशन क्या था क्या लो स्पीड पे हमारा गियर तो बेस्ट है बट जब ही हाई स्पीड पे जाता है अंदर भी स्लिपिंग होना शुरू हो जाता है. क्या करें यू कैन सी दिस
अब वेरी हाई स्पीड, अगर जब गियर के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, इसके अंदर यूज करते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है ना, लुब्रिकेंट यूज करते हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या यूज करते हैं, लुब्रिकेंट, हम उसके अंदर क्या लगाते हैं, वेरी हाई स्पीड वाले गियर के ऊपर लुब्रिकेंट लगाते हैं, और लुब्रिकेंट करने की वजह से उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्रिक्शन थोड़ा बहुत क्या होता है, कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहता है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा लगती है, ठीक है, इससे क्या होता है, स्लिपिंग होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो लुब्रिकेंट वगैरह लगा के आप स्लिपिंग क्या कर सकते हो बेटा, कम कर सकते हो, मेरी बात समझ में आ गई, बट जल्दी बता दो, मेरी बात समझ में आ गई, यस और नो, एक बार जल्दी से जल्दी बता दो, गियर के बारे में बता दो, गियर वो क्या रहा, ठीक है ना, ऐसे नहीं बात करेंगे, गियर क्या है, अगर आपसे कोई बताए तो गियर क्या है, गियर के अंदर थोड़ी बहुत स्लाइडिंग होती है, रोटेशन भी होता है, इसलिए गियर को क्या कहते हैं, गियर इज अ प्योर रोलिंग डिवाइस, गियर इज अ 100% पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस, ओके, गियर इज अ फ्रिक्शनल डिस्क, ओके, नाउ गियर के ऊपर क्या करता होता है, टीथ कटा होता है, गियर के अंदर स्लिपिंग नहीं भी होगा और हो भी सकता, कब नहीं होगा, जब लो स्पीड पे होगा तो स्लिपिंग नहीं होगा, जब हाई स्पीड पे होगा तो स्लिपिंग होगा, और उसको दूर करने के अपन क्या यूज करेंगे, लुब्रिकेंट का यूज, बात समझ में आया, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो स्लिप नहीं होता, इसके अंदर बात करूं स्लिप होने का चांस है, ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अब इसको दूर करने के लिए हमने क्या यूज किया, लुब्रिकेंट, हमने क्या यूज किया, लुब्रिकेंट, यू कैन सी दिस, स्लिप को दूर करने के लिए, मेरे भाई मेरी बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब है हमने स्लिपिंग इसके अंदर भी दूर कर ली, गियर हाई स्पीड पे चला है चाहे लो स्पीड पे चले, गियर के अंदर अगर ये चीज ध्यान दिया गया है तो गियर के अंदर स्लिपिंग नहीं है, इसका मतलब है गियर क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है गियर 100% पावर ट्रांसमिटिंग वाली डिवाइस है, बोलो हाँ या ना, तो इन सब से हमें कुछ बातें क्लियर हुई कि गियर के अंदर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, नंबर वन, गियर इज ए पॉजिटिव ड्राइव, व्हाई गियर इज ए पॉजिटिव ड्राइव, because there is a no slip occur, ठीक है ना, no slip, कोई slipping नहीं होती, अब अगर आप कहोगे कि सर slipping तो होती है लेकिन बेटा हमने दूर करने का उपाय भी देख लिया, ओके, now second point, clear है ध्यान से, there is a no slipping, slipping भी नहीं होती, now positive drive है, slipping नहीं होती, अच्छा इसका मतलब मेरे भाई ये गियर क्या करता है भैया, प्योर रोलिंग है, गियर क्या है, प्योर रोलिंग डिवाइस है, प्योर रोलिंग का मतलब क्या हो गया गियर, प्योर रोलिंग का मतलब क्या हो गया गियर, सर प्योर रोलिंग का मतलब हो गया इसके अंदर रोटेशन प्लस स्लाइडिंग दोनों मोशन होता है, लोग आए ना, यस और नो, ना थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव ड्राइव, नो स्लिप, प्योर रोलिंग डिवाइस, रोटेशन प्लस स्लाइडिंग बोथ आर अवेलेबल, ओके, यू कैन सी दिस, सो सी दिस, सी दिस, ओके, गियर जो होता है, गियर जो होता है भाई सुन, गियर जो होता है एक एग्जांपल है हायर पेयर का, इसका हायर पेयर का तुम बोलोगे क्यों, बिकॉज दीज टू फ्रिक्शनल डिस्क एट मीट एट, ये दोनों फ्रिक्शनल डिस्क कहां मीट कर रहे हैं, पॉइंट कॉन्टेक्ट और लाइन कॉन्टेक्ट, कुछ भी बनता है, कुछ भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई कहता है कि गियर में सिर्फ, अगर कोई कहता है गियर में सिर्फ पॉइंट कॉन्टेक्ट बनता है तो आपको पूरा नॉलेज नहीं है, गियर में लाइन कॉन्टेक्ट भी बनता है, इस बात को ध्यान रखना, देखो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा सही से पढ़ लो ध्यान से, क्योंकि गियर के बारे में समझना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ध्यान से, मैं पॉइंट को भी नोटिस करा रहा हूं, ठीक है, ओके, पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट
दोनों बनता है करेक्ट क्लियर ओके क्लियर नोट पॉइंट कांटेक्ट और लाइन कांटेक्ट दोनों होता है तो माय डियर फ्रेंड पॉइंट और लाइन होने की वजह से क्या होता है भैया गियर एक हायर पेयर क्रिएट करता है ओके ना अब क्वेश्चन इज किस पॉइंट पे कांटेक्ट होता है नाउ द नेम ऑफ दिस पॉइंट name of this point is called pitch point kya kehte hain is point ko hum kya kehte hain this is the pitch point is point pe gear contact karta hai us point ko kya kehte hain gear this point is called pitch point are you getting my point फिर बात समझ में आई जल्दी बताओ जब गियर घूमता है पॉइंट पे कांटेक्ट करता है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पिच पॉइंट और उसी के कारण इसको हम क्या कहते हैं दिस इज द हायर पे कितनी बार क्लियर हो गई जल्दी जल्दी बताओ एक बार ना अब मैं आपको एक पॉइंट और बताने जा रहा हूं थोड़ा सुनने की कोशिश करो एडवांटेज ऑफ द गियर ड्राइव यू कैन सी दिस अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स व्हाट इज द एडवांटेज व्हाट इज द एडवांटेज It transmit exact velocity ratio. Exact velocity ratio कैसे होता है भाई सुना मेरी बात चल यहाँ आप इसको देख रहे हो जी सर हम देख रहे हैं क्या मतलब क्या ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टी इक्वल टू आर टू अपॉन आर हमने पढ़ा ओमेगा वन अपॉन आर टू इक्वल टू आर टू बाई आर वन जो लगाया है यस यू कैन सी दिस ओमेगा वन अपॉन ओमेगा टू व्हाट इज द ओमेगा वन सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट with respect to angular velocity of second. So this is the ratio, angular velocity ratio. This is what? This is the velocity ratio. This is the velocity ratio. And you can see this, my dear friend. You can see this. If this is the constant, so my dear friend, you can see this. The transmit and check the velocity ratio. And check means the velocity ratio is constant. Transmit large power, yes, 100% power transmitting device. That means transmit large power, high efficiency. Why? Because you can see this. हमने यहाँ point लिखा. So this is the positive drive, no slip. That means 100% power transmission. मैंने 100% power transmission क्यों लिख दिया? क्योंकि पॉजिटिव ड्राइव है अब ऐसा नहीं है कि 100% हर जगह होता है हर जगह होता है बट अप्रोक्सीमेटली अगर कहोगे तो आपको 90-95% तक पहुंच जाता है लेकिन अगर आप गियर से बात करोगे तो 90-95% 98% तक इसकी वैल्यू करेक्ट ठीक है मेरी बात ध्यान से 100% भी होता है कहीं कहीं अगर स्लो स्पीड में घूमता है ठीक है ऐसा नहीं बोलोगे हमेशा 100% एफिशिएंसी बट ये बोलोगे देखिए हाई एफिशिएंसी रिलायबल सर्विस बिकॉज दोनों क्या है मेटेलिक पोर्शन बोथ आर मेटेलिक पोर्शन कॉम्पैक्ट लेआउट बिकॉज दो छोटा सा डिस्क है दोनों आपस में कनेक्टेड है दैट्स व्हाई कॉम्पैक्ट लेआउट ओके ये चीज जरा ध्यान से देखना एक चीज जरा ध्यान से सुनना मेरी बात ये मटेरियल ये चीज बात करना चाहूंगा मैन्युफैक्चरिंग टू मटेरियल कॉस्ट अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग टू मटेरियल कॉस्ट का रेशियो देखूं मेरी बात सुनना अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग टू मटेरियल कॉस्ट का रेशियो देखूं इस ग्रेटर देन 100 होता है मतलब इसका मतलब ये है व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कि अगर आपने 100 रुपया का कोई मटेरियल खरीदा तो गियर को बनाने में कितना लगेगा खर्चा कितना खर्चा लगेगा 10,000 रुपए अरे बेटे भाई भाई इसका मतलब व्हाट इसका मतलब गियर इज
वेरी कॉस्टली। ईयर क्या है? बहुत भयंकर वाला महीना है, ठीक है ना। ईयर इज वेरी कॉस्टली, ठीक है ना, ध्यान रखना। ईयर क्या है? बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। इस वजह से हम वही यूज करते हैं जहां इसके बिना काम नहीं हो सकता, जैसे कि घड़ी, जैसे कि गियर का पावर ट्रांसमिशन के साथ जो हमारा ये था गियर बॉक्स, ठीक है ना, हम वही यूज करते हैं गियर का। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। गियर का हम लोग यूज कहां करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी बात समझ में आ रही है ना? जल्दी से जल्दी बताओ, एक बार बताओ जल्दी से जल्दी, यस और नो। गियर इज वेरी वेरी कॉस्टली। आप देखो गियर का कहां यूज करते हैं, ठीक है ना, गियर का कहां यूज करते हैं, गियर बॉक्स वगैरह में, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज सुनना मेरी बात। Cheaper. ये महंगा होता है, ये सस्ता होता है ना। हाँ, ये लुक एट फोर डिफरेंस बिटवीन दीज। मेरा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज माय क्वेश्चन बिहाइंड अ गियर एंड बेल ड्राइव? गियर इज गुड एंड बेल ड्राइव इज बैड, यस और नो? देयर इज अ नेगेटिव ड्राइव, स्लिप बेटर कर, लो पावर ट्रांसमिशन, दे हैव अ हाई पावर ट्रांसमिशन, नो स्लिप, पॉजिटिव ड्राइव, ओके, this is good, this is bad, and yes, you are right, but you can see this mostly used, rarely used, why? This is bad, this is good, but they are mostly used, rarely used, why? Why? Mostly used, rarely used. Why? The Chintu says, Deepa, the costly. ये इतना महंगा है कि इसका हम वही यूज करते हैं जहां इसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है ना। और ये इतना अच्छा है, इतना सस्ता है, इतना मस्त है कि इसका यूज हम हर जगह कर सकते। अरे गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अब सुनना मेरे को। जहां आपको ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 कांस्टेंट चाहिए, जहां आपको ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 क्या चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, हम वही यूज करते हैं। जहां आपको ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 नॉट इक्वल टू कांस्टेंट चाहिए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम ये यूज करते हैं। व्हाट इज द एग्जांपल सर? गियर का एग्जाम्पल तो मैं समझ गया, गियर बॉक्स के अंदर, वॉच के अंदर, बट इज एग्जाम्पल द बेल ड्राइव। यू कैन सी दिस इन द आटा चक्की में, आटा चक्की को देखे हो ना, आटा चक्की देखा है ना, ऊपर से गेहूं डालते हैं, नीचे से आटा निकलता है। हाँ यार, क्या सब अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आटा चक्की में तुमने एक चीज देखा होगा, क्या लगा होगा, बेल ड्राइव, बेल ड्राइव, ओके। ऊपर से हमने क्या डाला, गेहूं डाला, उसका काम क्या है, गेहूं डाला, तो दो रोटर होते हैं, तो उनके बीच में गेहूं जाता है और वो क्या करता है, दोनों रोटेट करते हैं, तो गेहूं को क्या करते हैं, पीस देते हैं। उनका काम क्या है, रोटेशन करने का। उनका मतलब ये नहीं है अगर स्लिप हुआ, ट्रैक हुआ, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। उनका काम क्या है,
चक्की पर काम क्या है? ऊपर से गेहूं डालो नीचे से आटा या मिल जाए, यही काम है ना? यस सर। अब सिर्फ यही काम है तो भैया वहां हमें इससे क्या लेना है? हमें कोई लेना देना नहीं। That's why we can use at this vendor. अब सोचो कि वही आटा चक्की अगर गियर से बना होता कि बात तो पीसने का जो रेट है वो पेट्रोल के रेट से ज्यादा होता, तो आटा गेहूं पीसने का जो रेट है इस समय भारत में वो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा महंगा होता है कि नहीं? अब अच्छा ये था वहां हम क्या करें, वहां क्या करें? अगर मानो गियर लगा लेते थे तो क्या होता? सोचो जरा, हम गियर लगा लेते थे तो क्या होता? गेहूं आता, आटा ही निकलता। ऐसा तो नहीं ना कि स्लिपिंग हो रहा है तो गेहूं डालो तो गेहूं निकल रहा है, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहां से रोटेशन, ओके, यहां चाहिए पावर ट्रांसमिशन। यहां पावर ट्रांसमिशन सिर्फ इतना चाहिए जितना ये रोटेट कर सके। डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, आज मैनेज कर Oh, thank you so much guys for your love and support for 50 plus like. Okay. Now, after that, इसके बाद अगर हम बात करें, समझ गए बात? Web pack is mostly used why? Because they are this is cheaper. जहां हमारा इसके बिना काम चल जाएगा, जहां हमारा इससे कोई मतलब नहीं है वहां बेल्ट का यूज करेंगे, हमारा इससे मतलब है वहां बेल्ट का यूज नहीं करेंगे, गियर का ही यूज करेंगे जो हो जाए, ठीक है ना? घड़ी है, घड़ी में हम बेल्ट ड्राइव को नहीं लगा सकते क्योंकि हमें चाहिए तो चाहिए, हमें यही चाहिए ओमेगा और ओमेगा टू कांस्टेंट, ठीक है ना? वेलोसिटी रिडक्शन ना सर, अगर इतनी अच्छी डिवाइस है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया वो जब चलेगा ना तो आपके सिस्टम को वाइब्रेट कर देगा, आपके सिस्टम में क्या होगा एरर इन कटिंग टीथ में कॉज वाइब्रेशन और नॉइज ड्यूरिंग, लेकिन बेल्ट ड्राइव में ऐसा कुछ ही नहीं है। क्लियर क्लियर चलो नंबर क्लियर क्लियर। अब अगर क्या पढ़ने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ गियर, ठीक है ना? बहुत ही दिमाग लगा के आज की क्लास में थोड़ा सा आवाज का इश्यू है, कोई दिक्कत नहीं तो अपन आज यहीं तक रखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में दर्ज कर लेंगे, टेंशन मत लो, बस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ गियर में देखो ब्रॉडली क्लासिफाइड किया तीन कैटेगरी में, पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल। पैरेलल शाफ्ट में स्क्वायर गियर, हेलिकल गियर, हेलिकल गियर टू सिंगल हेलिकल एंड डबल हेलिकल। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है पैरेलल, कॉम्प्लेक्स, जियोल, स्पाइरल, विट्रे, एंगुलर, क्राउन गियर सब है। नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल, क्रॉस हेलिकल, हाइपोइड, बॉम, ऑल थिंग्स, ये सारी चीजें मैं तो आपको दिख रहा है, कुछ बोल में था आवाज के लिए क्या, तो ये थोड़ा सा वॉइस का इशू हुआ है ना, उसके अंदर हम लोग धीरे धीरे सारी चीजें पढ़ने वाले, पूरी क्लास एनिमेशन में होने वाले है, बिकॉज दिस क्लास वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, और मैंने इसको पहले ही बोला है, दिस इज द हार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वहां से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं आपका कोई भी दिक्कत हो तो। डियर
आज वॉइस का थोड़ा बहुत इश्यू है, उसके लिए आज यही कर रखते हैं, ठीक है ना, आज यही कर रखते हैं, जो भी होगा अपन आगे देखेंगे। आज वॉइस का थोड़ा सा इश्यू ये अपन बात करेंगे। फुल्ली एनिमेशन क्लास, फुल्ली एनिमेशन क्लास, डोंट टेक एनी टेंशन, फुल आउट ऑफ एनिमेशन, पूरा एनिमेशन चलेगा, डोंट टेक टेंशन, नहीं लेने टेंशन, नहीं लेने हमें टेंशन, नहीं लेने का ए टू जेड एनिमेशन हर एक चीज आपको दिखाई जाएगी सही तरीके से, बस आप बिलीव करो, हमारे साथ जुड़े रहो, आपको गियर को फील ना करा दिया, गियर फील ना हो गया, ठीक है गाइस। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आई ज्वाइन प्लस और आई ज्वाइन सब्सक्रिप्शन, और प्लीज डाउट के लिए जैसा जीके नेट क्रैश कोर्स लाइव क्लासेस रैंक डैश बेस एंट्री बैचेस ऑल थिंग्स, ठीक है ना, अगर आई कॉल किए तो वहां प्लस मिलेगा, पर्सनल ट्रेनिंग मटेरियल प्रैक्टिस से भी सारी चीजें मिलेंगी। आलोक लाइव मेरा कोड है, यूज कर सकते हैं, ओके। अप्रैल में बहुत सारे प्लान है, ठीक है, मैं अभी मेरा एक और सेशन होने वाला है, मेरा एक और सेशन होने वाला है दिन में 12 बजे 12 PM, द नेक्स्ट सेशन 12 PM, 12 बजे दिन में एक और सेशन होने वाला है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसी के अंदर हम गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए एंड देन 12 मंथ प्लान, 18 मंथ प्लान एंड 24 मंथ प्लान एंड यूज माय कोड दैट इज आलोक लाइव एंड यू कैन ज्वाइन विद दिस 10% ऑफ मोर, ठीक है ना, 10% ऑफ प्लस प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट के थ्रू आपका एक्स्ट्रा 10% और ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम मैक्सिमम आपका पॉइंट डेवलप हो गया तो 20% तक हो सकता है, ठीक है, और इफ यू वांट टू जॉइन अवर आइकॉनिक यू कैन सेव दिस 12 मंथ और 24 मंथ प्लान, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो। तो कैसा लगा ये क्लास का बताइएगा, प्राइस का थोड़ा बहुत इशू था उसके यहाँ, हाँ एम्सो नॉलेज के लिए, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर being a part of this session and we'll meet on the next session tomorrow morning 9:30 AM or 12 PM, आज हमारा एक और सेशन होने वाला है, आज मेरे दिन में, so till then enjoy, bye bye, ये सभी को जय हिंद जय भारत।